यह सरेगामा का एक म्यूजिक बार। वैसे काफी बड़ा बॉक्स है लेकिन पीछे भी कुछ है इसका। बहुत आर्टिस्ट का ना यहाँ पे फोटोस है और हम इन्हें जानते हैं अमिताभ बच्चन जी और इन्हें भी जानते हैं अमिताभ बच्चन जी की वजह से। ये विक्रम का हीरो है और ये मिथुन दा, लता मंगेशकर, जैकी श्रॉफ, जय वीरू वाले, बप्पी दा, ये तो इंडियन आइडल वाले, ऋषि कपूर। मैं तो इतने ही लोगों को जानता हूँ, बचे हुए लोग भी है लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ज्यादातर म्यूजिक नहीं सुनता। और इसमें मस्त चीज क्या पता है, थाउजेंड्स ऑफ प्रीलोडेड एवरग्रीन सॉन्ग्स यहाँ पे इनबिल्ड है, मतलब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सब साउंड बार के अंदर है। और कुछ की फीचर्स भी दिया हुआ है जैसे FM है, ब्लूटूथ 5.0 है, HDMI है, कोएक्सियल है, ऑक्स है, USB 3.0, ऐप सपोर्ट भी आपको मिलता है, 120 वाट का क्रिस्टल क्लियर साउंड, 2.1 के स्टीरियो ऑडियो मोड, कॉर्ड ड्राइवर, 70 वैट का सबवूफर और कैराके मोड भी मिल जाता है, ये सुपर कूल है। अबे बॉक्स के अंदर ना एक साउंड बार आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सबवूफर और एक बॉक्स मिल जाता है जो एक्चुअली में ना ऐसे मस्त लग रहा है। मिठाई तो नहीं है इसमें, कुछ और है। यहाँ पे आपको 2 माइक और 4 बैटरी देखने के लिए मिल जाता है और ये बैटरी बिना ड्यूरासेल का है, मतलब फॉर श्योर लंबा ही चलेगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो ना तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा, और लाइक भी कर देना। और एक आपको बॉक्स मिल जाता है जिसमें पूरा एसेसरीज है, एक यूजर मैनुअल, एक इंस्टॉलेशन गाइड और एक सॉन्ग बुकलेट। ये काफी ज्यादा यूजफुल है, मतलब हर एक चैनल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 सॉन्ग्स यहाँ पे, सब ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स ही है। कुछ इंस्टॉलेशन किट्स, एक पावर अडेप्टर, एक HDMI केबल, ऑक्स केबल और हाँ इनका म्यूजिक ऐप भी शायद, तो पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। रिमोट भी मिल जाता है और रिमोट के लिए अलग से बैटरी, रिमोट के लिए पैनासोनिक का दिया हुआ है लेकिन माइक के लिए ड्यूरासेल का। चलो सबसे पहले साउंड बार का ना बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। पूरा ये ब्लैक फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे मेटल ग्रिल यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो फिनिशिंग है ना साइड में जो दिया हुआ है, ये वुडन जैसे लगता है लेकिन ये वुडन नहीं है, लेकिन जो फिनिशिंग है ना वो सही लगता है, मतलब कुछ अलग ही लुक यहाँ पे दे रहा है। और यहाँ पे 4 स्पीकर्स है, कार्वन का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है और ये 120 वैट का ना साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ पे फिजिकल बटन की बात करो ना, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रिमोट मिलता है, रिमोट में भी सब कंट्रोलर्स आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे पावर बटन, सरेगामा का एक बटन देखने लिए मिल जाता है, FM के लिए, ब्लूटूथ के लिए, अगर आप ऑक्स लगा रहे हो या HDMI लगा रहे हो उसके लिए, अगर कैरोके के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, म्यूजिक पॉज के लिए है, फॉरवर्ड के लिए है और वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए बटन दिया हुआ है। और अगर सेम चीज आप बैक साइड में देखोगे ना, आपको यहाँ पे कुछ इनपुट देखने लिए मिल जाता है, जैसे पावर के लिए इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, HDMI, USB, ऑक्स इन, कोएक्सियल के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। ये जो 2 पोर्ट मिलता है ना, ये आपको वॉल माउंट के लिए यहाँ पे यूज हो सकता है और वॉल माउंट के लिए अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको वॉल माउंट करना है तो। और ये जो वायर देखने लिए मिल जाता है ना, ये FM के लिए एंटीना का जैसे काम करता है, काफी बड़ा दिया हुआ है, अगर आपको FM यूज नहीं करना है तो आप उसे अरेंज करके रख सकते हो। हाँ अभी इसका पूरा फीचर्स के बारे में बताऊंगा और प्लस साउंड क्वालिटी भी सुनाऊंगा, सो उससे पहले वूफर को देखते हैं। अभी ये वूफर जो है 70 वैट का साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है और ये वूफर को ना आपको साउंड बार के साथ कनेक्ट करना है और वायरलेस से कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए वायर दिया हुआ है जहां से आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मे भी वायरलेस होता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे वायर दिया हुआ है, लेकिन आप एक जगह से ज्यादा मूवमेंट नहीं करोगे एक बार सेट करने के बाद, तो ज्यादातर दिक्कत नहीं आएगा। और ये रिमोट भी ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, टॉप में आपको सरेगामा का बटन देखने को मिल जाएगा जहां पे जो 1000 प्रीलोडेड सॉन्ग था उसे आप एक्सेस कर सकते हो, ब्लूटूथ को भी आप ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो, USB भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऑक्स, HDMI सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो और अगर आपको लग रहा है कि बेस कम या ज्यादा करना है वो चीज भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ये काफी ज्यादा कूल लगा। और ट्रेबल भी सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो और अगर आपको बेस ज्यादा पसंद नहीं है तो आप उसे म्यूट भी कर सकते हो। और एक चीज बोलना भूल गया, इसमें 4 यूनिक आपको ऑडियो मोड देखने मिल जाता है, जैसे एक म्यूजिक मोड हो गया, मूवी मोड, न्यूज मोड और एक आपको 3D मोड में मिल जाता है जो एक्चुअली में काफी ज्यादा सुपर है। और अगर आप कैरोके मोड ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से यहाँ पे बटन दिया हुआ है जो आप माइक को ऑन या ऑफ कर सकते हो और बैलेंस वोकल म्यूजिक के लिए अलग से बटन दिया हुआ है। अगर आप इसका यूज कर रहे हो ना तो आई डोंट थिंक सो कि आपको साउंड बार का नजदीक भी जाने की जरूरत है, सब फंक्शन आपको ये रिमोट में मिल जाएगा। और सरेगामा कारवान का एक ऐप भी मिल जाता है जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में भी अवेलेबल है। इनमें जो भी म्यूजिक है ना, जो आपको यहाँ पे बुकलेट दिया हुआ था वो सब सॉन्ग वहां पे आपको मिल जाएगा, आप अपना प्लेलिस्ट बना सकते हो या आप डायरेक्टली वहां से म्यूजिक प्ले कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब अलग अलग चैनल आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप उसे टैप करके सॉन्ग प्ले कर सकते हो। हाँ ब्लूटूथ कनेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो ये प्ले नहीं होगा। वैसे ब्लूटूथ से म्यूजिक भी यहाँ पे प्ले हो जाएगा सरेगामा का ऑफिशियल चैनल पे ना कैराओके के लिए अलग से यहाँ पे पूरा वीडियो है जहाँ पे ऑल जो भी लिरिक्स है वो सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप उससे देख के गा सकते हो। मेरा गला तो यहाँ पे बैठा हुआ है, वैसे भी अच्छा नहीं था पहले भी आवाज, लेकिन अभी बैठा है तो खड़ा नहीं कर सकते तो मैं तो नहीं गाऊंगा, लेकिन आप एक्चुअली ऐसे गा सकते हो। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये सरेगामा का लोडेड सॉन्ग है और इसके साथ अगर आपको गाना है ना तो आप डायरेक्टली गा सकते हो, मतलब गाना गा सकते हो देख के, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। मतलब इको के साथ यहाँ पे आता है तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। मतलब अगर आपको गाने का लिरिक्स पता है ना तो आप डायरेक्टली गा सकते हैं। और अगर आपको इसका साउंड क्वालिटी सुनना है ना तो ये रहा। भरेगी क्या ग्लास पड़ा है खाली, भरेगी क्या साथ थाईलैंड से, डरेगी क्या अंदर की फीलिंग से, लड़ेगी क्या है, हद हो गई हद से आके भी बढ़ेगी क्या, 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे चढ़ेगी क्या। मतलब कंक्लूजन टाइम। ऑलमोस्ट इसका अनबॉक्सिंग हो गया, प्रोडक्ट रिव्यू हो गया और मैंने इसका ऑडियो आउटपुट भी आपको सुना दिया। लेकिन ये सब चक्कर में एक्चुअली में मेरा वॉइस दब गया है हैशटैग बीमार हूं मैं। अभी मुझे पर्सनली इसका साउंड बार ना एक्चुअली काफी ज्यादा सही लगा। एक तो इसका लुक और डिजाइन काफी ज्यादा सही है और काफी ज्यादा लाइट वेट है, लेकिन काफी ज्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2.2 केजी का है। और अगर वूफर का यहाँ पे बात करूँ लगभग 5 केजी का है, मतलब 4.92 केजी। लेकिन ओवरऑल साउंड आउटपुट ना मुझे काफी ज्यादा सही लगा। और अगर आप कैरोके मोड ऑन करना चाहते हो ना तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। मतलब सबके फैमिली में रहते हैं जो ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं, जैसे मॉम डैड या दादा दादी टाइप्स, तो उनको ये सब सॉन्ग ना रेट्रो सॉन्ग सुनना काफी ज्यादा पसंद रहता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 सॉन्ग्स ना यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब आपको इंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं, ये सब कुछ ये साउंड बार में मिल जाएगा, जो सुपर कूल लगा मुझे। और इसे एक्सेस भी आप आराम से कर सकते हो। अगर आप उनके साथ गाना गाना चाहते हो, लगता है कि आपका वॉइस अच्छा है, तो आप ये भी चीज कर सकते हो। लेकिन अगर वो पार्ट को आप साइड पे भी रखोगे ना, तो अगर आपको मूवी एक्सपीरियंस करना है या म्यूजिक सुनना है, कोई भी मूवी, इसका आउटपुट काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको 120 वाट का साउंड आउटपुट देखने लिए मिलेगा, वही इसमें आपको 70 वाट का मिलेगा, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कूल है ये प्राइस सेगमेंट में। तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप म्यूजिक बार देख रहे हो या किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि ये साउंड बार में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और वीडियो में क्या पसंद आया। सो मैं मिलूंगा मेरा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लेकिन कुछ भी हो, ये डब्बा मस्त है। इसे श्योर मम्मी मिठाई का डब्बा बनाने वाली है।